जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है वहां वे उचित कार्रवाई कर रहे हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, दालें एवं दूध की आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है और इनकी उपलब्धता को निरंतर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में कल गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इन दिशा निर्देशों को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वित करवाने तथा आम जनता के लाभ के लिए इनके व्यापक प्रचार पर जोर दिया है। लॉकडाउन के अंतर्गत 3 मई 2020 तक संपूर्ण देश में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा सहित कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, धार्मिक समागम जनता के लिए बंद रहेंगे। जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स या कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि वहां पर मौजूदा दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा हो। इन चुनिंदा गतिविधियों को अनुमति देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृषि और संबंधित गतिविधियां पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकतम दक्षता से कार्य करे इत्यादि। गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर लोकहित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का सार्वजनिक स्थानों पर और कार्यस्थलों पर कड़ाई से अनुपालन करने पर जोर देना चाहूंगी। अनिवार्य रूप से सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहना जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र ना हो, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए, कार्यस्थलों पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की जाए और सैनिटाइजर्स का प्रयोग किया जाए, बुजुर्ग और रोगग्रस्त व्यक्ति तथा छोटे बच्चों के माता पिता को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के प्रयोग को बढ़ावा और दिया जाए। आपसे अनुरोध है कि सभी राष्ट्रीय निर्देश और SOPs जो हमारे दिशा निर्देशों के साथ संलग्न हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, उनके बारे में जानकारी बढ़ाएं और उनका पूर्णतया पालन करें। धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मिस्टर लव अग्रवाल, प्लीज। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोविड की इस लड़ाई में जुटा हुआ है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भारत में COVID-19 के कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर हेल्थ फंक्शनरीज और साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर क्लस्टर और आउटब्रेक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर WHO अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोऑर्डिनेशन किया जाए, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय WHO की नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑनगोइंग सर्वेलेंस को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज इंटरेक्शन में इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ भी बातचीत की, जहां उन्होंने
पीएम केयर्स फंड में योगदान देने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को धन्यवाद दिया। साथ ही माननीय मंत्री जी ने उन्हें एश्योरेंस दिया कि सरकार उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है और इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए किए जा रहे मेजर्स के द्वारा उनके कंसर्न्स को एड्रेस भी किया। इसके अलावा उन्हें कोविड के समय में हेल्थ केयर में मेक इन इंडिया के अवसरों का बेस्ट यूज करने के लिए एनकरेज किया ताकि देश क्रिटिकल हेल्थ केयर इक्विपमेंट प्रोविजन में ज्यादा रेजिलियंट और आत्मनिर्भर हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रैक्टिसेस के लिए एक एडवाइजरी कल जारी की है, जिसके तहत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को रिलीफ कैंप्स पर विशेष ध्यान देने और समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पानी की सप्लाई बढ़ाने की सलाह दी गई है। क्लोरीन टैबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अप्रोप्रिएट यूज की एडवाइस भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोविड 19 के आउटब्रेक के दौरान इसेंशियल सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर एक डिटेल्ड गाइडलाइंस को भी इशू किया है, जिसके तहत इन सेवाओं में जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इलनेसेज शामिल हैं ताकि उनके कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सके और इमरजेंसीज को एड्रेस किया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को इन सब बीमारियों के बारे में कार्य करते हुए सेफ्टी इंश्योर करा जाए, उसके बारे में रिक्वेस्ट की गई है। कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज के अलावा रिमेनिंग फैसिलिटीज ऐसी सेवाएं प्रदान करती रहेंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर को भी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया है। ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए टेली हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। साथ ही लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस के पीरियड के दौरान इम्यूनाइजेशन और एंटीनेटल केयर जैसी सेवाओं को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और इस तरह की सेवाओं को कोई एक दिन फिक्स करके प्रोवाइड किया जाए। ये सर्विसेज देते समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग और रिक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन विद मैलन्यूट्रिशन, टीबी, लेप्रसी, एचआईवी, वायरल हेपेटाइटिस, पल्मरी डिजीजेज या डायलिसिस जैसी जितनी भी सेवाएं हैं उनको हमारे सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्राइमरी हेल्थ केयर टीम उनको मॉनिटर करें और उनके द्वारा हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी बी टू में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इंपॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कन्फर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट वन डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहाँ पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फेटेलिटी रेट अगर 3.3% है तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ ही 27 ऐसे जिले हैं उन 17 राज्यों में जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, जिसमें है कि पटना बिहार से, नादिया वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ राजस्थान से, गिर सोमनाथ पोरबंदर गुजरात से,
भद्राद्री कोथागुड़म तेलंगाना से, साउथ गोवा गोवा से, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत इन यूपी, राजौरी इन जम्मू कश्मीर, वेस्ट इम्फॉल इन मणिपुर, बिलासपुर दुर्ग राजनंदगांव रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पुडुचेरी में जैसे मैं बता चुका हूँ माहिब, ऐज़वाल वेस्ट जो है मिजोरम में, देवनगिरी कोडगू तुमकुर उडुपी और बेलारी कर्नाटका में, वायनाड कोटेयम केरला में, SBS नगर पंजाब में, हरियाणा में पानीपत और मध्य प्रदेश में शिवपुरी। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फील्ड लेवल पर जो कंटेनमेंट का ये प्लान ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है उसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट मेजर्स के इस कंबाइंड एफर्ट से अगर हम लोग इसी तरीके से इस सतत प्रयास में लग रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज तक हमने 290,401 लोगों की टेस्ट की है, उनमें से 30,043 यानी 30,043 इनकी टेस्ट कल हुई, उसमें 26,331 जो थे वो ICMR नेटवर्क के जो 176 लैब्स है उनमें हुआ है, 3,712 ये प्राइवेट लैब्स में हुआ है जिनकी संख्या अभी 78 है, और उनके कलेक्शन सेंटर्स ये 16,000 सिटीज के अंदर पाए जाते हैं देश भर में। ये जो कैपेसिटी का बार बार इश्यू आता है, अभी आपने देखा कि 26,331 वो नेटवर्क में से हुए हैं, हम अगर 9 घंटा काम करते हैं जैसे एक शिफ्ट में करते हैं तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है, और अगर हम उसको बढ़ा के 2 शिफ्ट में कर दें तो 78,227 लोगों की टेस्ट हम हर दिन कर सकते हैं। दूसरी बात जो बार बार पूछ रहे थे सब, रैपिड टेस्ट किट्स आए क्या? 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं, एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्टलो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं इनकी संख्या लिवजॉन की 2,00,000 और वॉन्टलो की 3,00,000 है। इन दोनों किट में थोड़ा सा फर्क है, फर्क यह है कि लिवजॉन का जो किट है, लिवजॉन का किट और वॉन्टलो के किट में IgG और IgM 2 अलग बैंड्स आते हैं क्या? एक इसमें दोनों बैंड एक साथ होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करके देखें। इन दोनों किट्स की सेंसिटिविटी 80% से ज्यादा है और स्पेसिफिसिटी भी तकरीबन 84% से ऊपर ही है, तो जिस ढंग से इनका जो क्लेम है कि ये टेस्ट अच्छे हैं शायद उसका पहला इस्तेमाल होगा और हमको खुद को भी उसके बारे में फील्ड कंडीशंस में का पता चल जाएगा। अब जब इन चीजों की हम बात करते हैं तो 2 चीजें समझना जरूरी है, ये सीरोलॉजिक किट्स हैं। अब जब हम सीरोलॉजिक किट्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी देखने के किट्स जिसको हम अभी रैपिड किट करके ज्यादा जानते हैं, वो किट्स के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे शरीर में अगर विषाणु गया तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मेरे नेजल स्वैब या ओरल फेरिंजियल स्वैब, जहां से स्वैब जो हम लेते हैं उसमें विषाणु नजर आएगा। मैं अगर और 8 दिन रुकूं, 8 दिन के बाद में मुझे क्या दिखाई देगा कि जैसे मुझे लक्षण आना शुरू हो जाएंगे उन विषाणु की संख्या ये मेरे गले में या नाक में रहे वो सबसे ज्यादा होती है जब लक्षण आते हैं, जब उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त एंटीबॉडी को क्या होगा? अब थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानी वो क्लैरिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है समझो इस किस्म का विषाणु है, तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है, वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। अब हमको एक समझना है, इनमें टाइप्स होते हैं। सबसे पहली एंटीबॉडी जो आती है वो IgM किस्म की एंटीबॉडी आती है। ये जो IgM किस्म की जो एंटीबॉडी होती है ये ज्यादा दिन रुकती नहीं, थोड़े दिन के बाद में चले जाना अपेक्षित रहता है।
आईजीएम एंटीबॉडी जैसे आती है तो हमको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन रिसेंट है, ऐसे में लगा है। जब आईजीजी एंटीबॉडी आएगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो रही है। इसका मायना सिर्फ आईजीजी अगर मुझे दिखा और आईजीएम नहीं दिखा तो मैं ये समझ सकता हूं ये पुराना इन्फेक्शन है। अब इतना मैंने क्यों बताया, उसके दो कारण हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। सर्वेलेंस यानी क्या, जैसे अग्रवाल साहब बार बार आपको ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स होते हैं। अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नजर रखना है तो यहां ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूं। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आएगा कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो गई इसका मायना मुझे इन्फेक्शन हुआ, मुझे बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसे मैं मान सकता हूं क्या? तो हमको एक दूसरी चीज समझना है, कोई भी विषाणु के खिलाफ जब एंटीबॉडी तैयार होती है हर विषाणु उस विषाणु के साथ बाद में अच्छे ढंग से लड़ सकती है वो एंटीबॉडी, ऐसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देता हूं, मुझे अभी यहां हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वैरिसेला जोस्टर करके जो होती चिकन पॉक्स जो होता है ना, चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है उसमें जो एंटीबॉडी एक बार तैयार हो जाए तो इतने अच्छे दर्जे की होती है, इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि जिंदगी भर बाद में नए सिरे से ये चिकन पॉक्स आपको कभी होता नहीं। लेकिन उसी हिसाब से अगर आपने देखा तो साइंस में का पैराडॉक्स देखो, आपको एचआईवी इन्फेक्शन हुआ, मेरे शरीर में एचआईवी एंटीबॉडी जिंदगी भर दिखेगी लेकिन वो एचआईवी के खिलाफ प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो एंटीबॉडी दिखे भी तो हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इसका मायना मुझे हुआ ही नहीं है, ये देख यानी मेरा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग है अभी मुझे कभी होगा नहीं, ये बोलना कठिन होता है। कब तक कठिन होगा? जब तक इसके ऊपर अच्छा संशोधन नहीं होता, ये एंटीबॉडी कितनी अच्छे ढंग की है इसका पता नहीं चलता जब तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस ढंग से। ये क्यों बोल रहा हूं, हमने सर्वेलेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, ट्रेंड देखने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको हम अर्ली डायग्नोसिस के हिसाब से हमने कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात कि हम जब ये एंटीबॉडी टेस्ट के इंडिकेशन बोल रहे हैं कि ये सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक बार हम याद करवा के देख लें कि ये आरटीपीसीआर जो है पहली वायरोलॉजिक टेस्ट हम किन किन लोगों को दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं, फिर पुरानी याददाश्त आपको दिलवा दूं कि ये जो टेस्ट किट है, ये जो टेस्ट है किस किस को ऑफर होती है, जो भी ऐसी जगह से इंटरनेशनली आया है जिनको 14 दिन में वहां गया था जहां ये इसके ये बीमारी ज्यादा फैली हुई थी। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, हॉटस्पॉट इलाकों में किस तरह से बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सकता है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये तमाम जानकारियां दी गई। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।